गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू जनरल नॉलेज चैप्टर 6, मॉडर्न गैजेट्स। अब देखेंगे ये जो हमारा चैप्टर है 6, मॉडर्न गैजेट्स, यानी आज के समय में जो लेटेस्ट गैजेट्स चले हुए हैं जिनसे हम आसानी से काम कर सकते हैं, जो हमें कुछ ना कुछ देते ही हैं और इंस्टेंटली हम काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे आज। तो यहाँ पे है, मॉडर्न गैजेट्स मेक्स आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। सही बात है, जो मॉडर्न गैजेट्स हैं, ठीक है, ये हमारे लाइफ को क्या करते हैं, आसान बनाते हैं, आरामदेह बनाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, वो क्या है, बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, यूजफुल है। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि पिक्चर्स दिया गया, उसके बारे में कुछ बताया गया है, तो उनके हमें नाम लिखने हैं। तो पहला ये हम शुरू करते हैं, पहला है हमारा, दिस मशीन इज यूज फॉर सेंडिंग अ कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट यूजिंग टेलीफोन नेटवर्क। ये जो मशीन होता है, इससे क्या कर सकते हैं हम, कोई भी अगर कॉपी हमें भेजना हो कहीं पे भी, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट का, ठीक है, और टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, तो इसको हम लोग फैक्स मशीन बोलते हैं। अभी भी इसका यूज़ होता है, लेकिन हाई लेवल पे यूज़ होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में यूज़ होता है, बड़े बड़े ऑफिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है इसे। इसके बाद है हमारा, दिस मशीन रिमूव्स इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर एंड मेक्स इट ड्रिंकेबल। ये जो मशीन होता है, ये क्या करता है, जो अशुद्धता रहती है पानी में, उसको वो निकाल के हमें पीने लायक बनाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे जो वाटर प्योरीफायर लगा रहे थे, इसे हम लोग वाटर प्योरीफायर कहते हैं, जिसको आरओ हम लोग कहते हैं घर में, फिल्टर वाला पानी, तो वैसा ही है, ये वाटर प्योरीफायर बोला जाता है। तीसरा है, अ डिवाइस विच कॉपीज पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट्स सो दैट दे कैन बी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। अब ये एक ऐसा है कि एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम कॉपी करते हैं पिक्चर को, ठीक है, या किसी डॉक्यूमेंट को, और वो स्टोर हो जाता है हमारे कहाँ, कंप्यूटर में हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्कैनर, ठीक है। चौथा है हमारा, इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर्स लॉट्स ऑफ डेटा सच एज फाइल्स डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द की चेन ड्राइव। ये है एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पे हम बहुत सारा जो डेटा होता है स्टोर करते हैं, एक फाइल के रूप में, एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में, और इसे हम लोग कहते हैं की चेन ड्राइव, और इसको अनदर वर्ड्स में देखा जाए तो इसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है, ठीक है। पांचवा है हमारा, दिस इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर, वी कैन कैरी इट एनीवेयर एंड एनी टाइम। ये एक तरह से कह सकते हैं कि पोर्टेबल कंप्यूटर है जिसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी से, ठीक है, कहीं भी और किसी भी समय में ले जा सकते हैं, और इसे लैपटॉप कहा जाता है। 7 चैप्टर है जो हमारा, ब्यूटीफुल बुक है, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट, दे आर डिफरेंट शेप्स साइज एंड कलर। सही बात है, फ्लावर्स जो होते हैं, फूल के पौधे, बहुत ही खूबसूरत होते हैं वो, और वो डिफरेंट शेप्स में, आकार में होते हैं, साइज में होते हैं और कलर्स में होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अनजम्बल द जम्बल लेटर्स एंड राइट देयर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स। यहाँ पे क्या किया है, वर्ड्स को जम्बल कर दिया है, इधर से उधर कर दिया है, और इसको उसको आपको जम्बल लेटर्स को सही करके आपको उसका मीनिंग लिखना है। तो पहला मेरा रोज़ है, दूसरा ट्यूलिप है, तीसरा डेज़ी है, चौथा डहिला है, पांचवा जैस्मिन है, छठा हिबिस्कस है, सातवा सनफ्लावर, और आठवां मेरा डैफोडिल है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चेक योर आईक्यू। अब यहाँ पे आईक्यू चेक करना है, लुक एट द ईच सेट ऑफ एंट्रीज, देयर इज समथिंग दैट इज कॉमन टू ईच ऑफ देम, डू यू नो व्हाट इट इज, टेक हेल्प फ्रॉम रोमिस हेल्प बुक हेल्पिंग की। अब यहाँ पे कह रहा है सारा चीज़ दिया गया है, ज़ेब्रा, पियानो की, चेस बोर्ड, पेंगुइन, तो ये क्या हो सकता है, इसका एक नाम बताना है। तो पहले वाले में ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स, तो ये जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे चीज़ों के नाम दिए गए हैं, चेस बोर्ड, पियानो की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम है, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट का स्ट्रिप्स रहता है। आप पियानो पे देखेंगे ब्लैक एंड वाइट का स्ट्रिप्स रहता है, ज़ेब्रा पे रहता है, पेंगुइन पे भी रहता है, वैसे ही सेकेंड वाले को सॉल्व करना है। तो आप लोग ये चैप्टर देख लेंगे और उसके बाद, ठीक है, इसको आपको फेयर करना है, फेयर करने के बाद इसको
लर्न भी करना है, पढ़ना है पहले, फिर लर्न करेंगे, फिर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।